भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी उनका कल लखनऊ आगमन है, उसको देखते हुए पार्टी ने आज नई बैठकें रखी थी। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग रकाबगंज में हैं, जहां पर हाल ही में MLC बने हुए मुकेश शर्मा का भव्य स्वागत समारोह हो रहा है। दो बार से लगातार महानगर अध्यक्ष भी बने रहे थे, अपनी कार्यशैली को लेकर के वो हमेशा चर्चा में रहे। हाल ही में उनको MLC बनाया गया है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने उनका सम्मान किया, तो उनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, और जिस तरीके से उनको MLC बनाया गया है तो अपने कार्य के दायित्व को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। राजधानी रकाबगंज के आर्य समाज मंदिर में MLC मुकेश शर्मा का भव्य स्वागत हुआ, जहां पर सभी अधिवक्ताओं ने मुकेश शर्मा का स्वागत सत्कार किया। पुष्प माला और स्मृति चिन्ह देकर सभी अधिवक्ताओं ने मुकेश शर्मा को MLC बनने पर बधाई दी, और लंबे समय तक BJP के महानगर अध्यक्ष बने रहने और उनके कार्यों की सराहना की। वहीं BJP की वरिष्ठ नेत्री रागनी रस्तोगी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। वहीं रागनी रस्तोगी ने मुकेश शर्मा के MLC बनने पर उनको बधाई दी और BJP पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए और पूरे विश्व को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संबोधन किया। BJP की वरिष्ठ नेत्री रागनी रस्तोगी ने मुकेश शर्मा को उनके एक नए कार्यकाल के लिए बधाई दी। अधिवक्ता KK मिश्रा, रितेश रस्तोगी, मनोज मिश्रा, BJP की वरिष्ठ नेत्री रागनी रस्तोगी आदि लोग कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। तो अब हाल ही में MLC बने मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आज उनका सम्मान कराया गया है यहाँ पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आज यहाँ पर एक स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे संयोजक KK मिश्रा जी और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अभी संगठन में लंबे समय से काम कर रहा हूँ, तो सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सदस्य विधान परिषद बनाया है, सभी पार्टी का भी आभार प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने एक समान से कार्यकर्ता को उच्च सदन में भेजने का निर्णय लिया, इसलिए आज सब मेरे अभिनंदन के साथ पार्टी का आभार करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और इस संकल्प के साथ सब एकत्रित हुए थे कि 2024 में पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनानी है। उसके लिए सभी विधि प्रकोष्ठ के सभी अधिवक्तागण ने आज यहाँ पर संकल्प भी लिया। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर जी? जैसे कहे आपको दो बार से महानगर अध्यक्ष भी रहे थे, उसके बाद आपको MLC का दायित्व दिया गया। हम सभी लोग मूलतः कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। पार्टी जहाँ जो समय जिम्मेदारी देती है, उस जिम्मेदारी का हम सब उम्मीदें बढ़ गई हैं। सभी उम्मीदों पे हम सब कार्यकर्ता हैं, मिलके जो भी उम्मीदें जनता की हो, कार्यकर्ताओं की, सब पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और यह जो भी दायित्व मुझे MLC का मिला वो जनता की सेवा के लिए है। मूलतः हम सब लंबे समय से जनता की सेवा कर रहे हैं, इस कार्य को और तेजी से इस दायित्व के बाद करने का प्रयास करेंगे। अब हमारे साथ में वरिष्ठ नेता रागनी रस्तोगी जी भी जुड़ रही हैं, तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे मैम? जिस तरीके से मुकेश शर्मा जी के लिए हार्दिक बधाई का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था, तो क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि हमारे बीच के कार्यकर्ता रहे मुकेश जी, और हमारे साथ पहले भी टीम में थे, अब तो इस समय लखनऊ के नगर अध्यक्ष हैं, और उसके बाद भी पार्टी ने उनको MLC पद दिया है। हम लोगों को बड़ा उत्साह है और हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए। हाँ, इस समय ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सोच रही है। जैसे जो अभी विधानसभा टिकट भी मिली है, तो भी दो ऐसे कार्यकर्ताओं को मिली है जिनको लिए मन में एक उम्मीद जागी है कि पार्टी इस समय आम कार्यकर्ताओं के लिए सोच रही है। जो जितना कर रहा है उस हिसाब से उसका उतना जो है सम्मान कर रही है, और इसी कड़ी में मुकेश जी भी आगे आ गए हैं, तो बहुत अच्छा है। पार्टी इसी तरीके से और भी कार्यकर्ताओं को मौका दे, जो कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग आए थे रकाबगंज में, जहाँ पर मुकेश शर्मा MLC का हार्दिक अभिनंदन स्वागत हुआ। जिस तरीके से उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने बताया कि 2024 के लिए वो तैयारी करेंगे और फिर से एक बार मोदी लहर आएगी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाने लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।